हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2019, तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से ले आया हूं डेली करंट अफेयर वीडियो। तो चलिए उत्तराखंड के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो उत्तराखंड के सतीश जोशी जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वह मार्शल आर्ट से संबंध रखते हैं, वह एशियाई कोच और रेफरी हैं। उन्हें यह सम्मान 25 अगस्त को मिला था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी को किस कार्य के लिए सम्मान मिला है? जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुंभ मेला अधिकारी बनने से पहले दीपक रावत जी हरिद्वार जिले के डीएम रह चुके हैं। तो पिछले वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुपोषण विहीन भारत बनाने का कार्यक्रम चला था, तो उसमें हरिद्वार जिले को भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें हरिद्वार जिले के प्रदर्शन को अच्छा आंका गया है, उसको बहुत सम्मान दिया गया। इसीलिए वहां के मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर और जिला परियोजना अधिकारी मुकुल चौधरी को भी यह सम्मान मिला है। यह सम्मान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में आने वाले विदेशी पर्यटकों की ग्रोथ कितनी है? तो उत्तराखंड में आने वाले विदेशी पर्यटकों की ग्रोथ 25.79% है। यह घोषणा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की। और यह जो आपका रिपोर्ट आई है, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में पूरे देश में 1,04,00,000 विदेशी पर्यटक आए, जिसमें उत्तराखंड में इनकी संख्या 13,000 रही। गोवा में सबसे अधिक 89,00,000 विदेशी पर्यटक आए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या सालाना 3,45,00,000 है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शिक्षिका का चयन सीबीएसई अवार्ड टू टीचर्स 2018 के लिए हुआ है? तो देहरादून में विकास नगर के हर्बर्टपुर स्थित केंद्रीय तिब्बती विद्यालय की शिक्षिका रीता बाली का चयन सीबीएसई अवार्ड टू टीचर्स 2018 के लिए हुआ है। इससे पहले इनका चयन नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए हुआ है, इन्हें यह सम्मान 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिवस पर दिया जाएगा। उत्तराखंड से पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली वह एकमात्र शिक्षिका हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने भारत की किस जांच प्रयोगशाला की मान्यता को अगले 6 महीने के लिए निलंबित करने का फैसला सुनाया है? तो वाडा ने राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला NDTL की मान्यता को अगले 6 महीने तक निलंबित करने का फैसला सुनाया है। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था वाडा अंतरराष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय संस्था है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटी डोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है? जी हाँ, यह हम सभी के लिए बहुत बुरी खबर है कि 24 अगस्त 2019 को भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का निधन हो गया है। वह 9 अगस्त से दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती थे। उनकी उम्र 66 वर्ष थी। उनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पूर्व वित्त मंत्री का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में सीबीएसई द्वारा गिरफ्तार किया गया है? तो इन वित्त मंत्री का नाम है पी चिदम्बरम। उन्हें आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में सीबीएसई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसकी रिपोर्ट के अनुसार पेयजल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करते हैं। WHO के अनुसार मानव शरीर में 150 माइक्रोमीटर से बड़े आकार के माइक्रोप्लास्टिक्स अवशोषित नहीं कर सकता है, परंतु मानव शरीर सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक सहित अति सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को अवश्य अवशोषित कर सकता है। माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। यह खाद्य संग्रह में प्रवेश कर कैंसर जन्य रासायनिक यौगिकों के वाहक बनते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए फेडोर नामक रोबोट को भेजा है? तो रूस ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपने रॉकेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए फेडोर नामक रोबोट भेजा है। यह रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला रोबोट है।
इसका उपयोग, इसका कार्य नई आपातकालीन बचाव प्रणाली का परीक्षण करना है। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 10 दिन तक फेडोर एक नया कौशल सीखेगा, जिसमें यह इलेक्ट्रिक केबल को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जैसे करने वाले कार्य भी करेगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन वर्षावन दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अभी यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अमेजन विश्व में सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वन है। यह 9 देशों ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गिनी, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में फैला हुआ है। यह 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला है। यह एक कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है। यह पूरे विश्व की कुल ताजी हवा का 20% उत्पादित करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी किए गए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो नीति आयोग ने वर्ष 2017-18 वर्ष के लिए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया है, इसमें गुजरात पहले स्थान पर है। अब हम चलते हैं अपने वन लाइनर की तरफ। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग सूचना देने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। इससे पहले उन्होंने भूटान में भी रुपे कार्ड लॉन्च किया था। हमारा अगला वन लाइनर है, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की स्मृति में स्टाम्प जारी किया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है किसकी स्मृति में स्टाम्प जारी किया है, तो महात्मा गांधी की। फिर हमारा अगला वन लाइनर, नई दिल्ली में दयालुता पर प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति शिक्षा और सतत विकास संस्थान द्वारा किया गया। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न बन सकता है, रूस ने विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा का लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। क्या है? रूस ने विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा प्लांट एकेडमिक लोमोनोसोव लॉन्च किया है। इसका निर्माण रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा फर्म रोस्टम द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई 144 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और इसकी विस्थापन क्षमता 21,500 टन है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह करंट अफेयर वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।